न्यूज फॉर सिटी में आपका स्वागत है। लॉकडाउन में महिला डिलीवरी का मामला हो या कोई अन्य बीमारी से जूझ रहे व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाने का, जब भी दिल्ली पुलिस को कोई सूचना मिलती है वो बेझिझक एम्बुलेंस का इंतजार किए बगैर अपनी PCR से ही उनको हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए तैयार रहती है। जहां कोरोना के खौफ के बीच लोगों को जीवन दान देने में लगे डॉक्टर्स भी अपनी सेवा समर्पण की भावना से कार्य करते हुए मरीजों के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। यहां हम आपको उस व्यक्ति से मिलवाएंगे जिसकी वाइफ को डिलीवरी की समस्या में लॉकडाउन के समय कोई एम्बुलेंस तो नहीं मिली, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। गाजीपुर बॉर्डर पर तैनात दिल्ली पुलिस कर्मियों ने गर्भवती महिला को समय पर लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल पहुँचाया, जहाँ उन्हें हॉस्पिटल के डॉक्टरों का भरपूर प्यार व सहयोग मिला और महिला ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। न्यूज फॉर सिटी के लिए कैमरामैन जगजीत सिंह के साथ रवि डालमिया की रिपोर्ट। अरे क्या हुआ था, आपने जो कॉल किया था एम्बुलेंस नहीं आई थी क्या आपके पास? क्या कॉल लाइन बिजी बता रहा था, 8 बजे रात का समय था इसीलिए कॉल बिजी बता रहा था। पुलिस वाले को कॉल किया मैंने तो उसने हेल्प की। तो पुलिस वाले ने यहाँ पर कितने देर में पहुँचाया था आपको? यहाँ पे यहाँ से कर 10 मिनट में पहुँचा दिया होगा। तो यहाँ पे जो डॉक्टर थे आपको इलाज कर रहे, सही से इलाज हुआ उनकी? हाँ, सही से इलाज हो रहा है। तो डिलीवरी सही होगी उनकी? हाँ, डिलीवरी सही। क्या नाम था आपकी वाइफ का? रहमती खातून। आप क्या कहना चाहते हैं पुलिस वाले और डॉक्टर को? बहुत दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ। डॉक्टर भगवान के रूप में बन के आए थे, उन्होंने हमें दोनों ने जान बचा दी। मैम किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं मैम अभी लॉकडाउन में और क्या क्या सुविधा दे रहे हैं? हमारे अस्पताल में क्योंकि सारी सुविधाएं वैसे ही चल रही है, OPD चल रही है, क्योंकि आज OPD में 2000 के करीब मरीज आए। हमारे लिए चैलेंज था कि वो 2000 मरीजों में वो जो डिस्टेंस है, सोशल डिस्टेंस, वो मेंटेन करना, उसके वजह से धीरे धीरे मरीजों को अंदर भेजा गया। तो OPD भी चल रही है नॉर्मल हमारी, और आज रश ज़्यादा ही था। जो इमरजेंसी राउंड द क्लॉक है, डिलीवरी भी राउंड द क्लॉक है। बस जो एक चीज़ हम लोग ने रोकी है वो है रूटीन सर्जरी, जो कि अभी कोरोना की वजह से इंडिकेटेड भी नहीं, और वैसे भी इमरजेंसी ऑपरेशन हमारे 24 घंटे चलते रहते हैं। बाकी सारे डिपार्टमेंट्स वैसे चल रहे हैं, और क्योंकि कई अस्पतालों में OPD, जो बड़े हॉस्पिटल्स में OPD नहीं चल रही, तो इसलिए वहाँ की हमारी OPD में और इमरजेंसी में रश ज़्यादा है। मैम देखा है दो परिवार ऐसे थे मैम जो आप लोग के गुण गाते भी नहीं थक रहे, उनका ये कहना है कि दोनों परिवार की लाल बहादुर डॉक्टर भगवान के रूप में बन गए। मैम अभी जो पुलिस के तरफ से जो PCR जो क्विक रिस्पांस दे रही है मैम, आप लोग किस तरह से आप लोग रिस्पांस कर रहे हैं, क्या क्या आप लोग वहाँ उनको कर रहे हैं? हमारी टीम जो इमरजेंसी पे है वो हमेशा ही अलर्ट रहती है, और उनका मतलब ये उनको स्पेशली ये डायरेक्शन है कि कोई भी मरीज जो डाउन टाइम है, मतलब जब आए उससे बाद प्रॉम्प्टली उसको रिससेस्टेट या जो भी जरूरत है जल्दी से जल्दी करे। और हमारी टीम एज सच इज ऑलवेज अलर्ट। फ्लू क्लिनिक अलग चल रही है हमारी 24 घंटे, जो कि उसमें आ रहे हैं 300-400 मरीज रोज डेली बेसिस पे। और बाकी हम लोग जो हमारे बाकी पेशेंट्स हैं जो रेफर भी हो रहे हैं कई जगह से, वो सब हमारे हॉस्पिटल में भी ऐसे। मैम जिस तरह से पब्लिक आप लोग को भगवान के रूप देख रही है, उन पब्लिक के बारे में क्या आप संदेश जाती है, क्या उनको कहती है, कैसे बचे कोरोना से, कैसे क्या करता है? जैसे कि आजकल आमतौर पे ये बोला गया, एक तो सबसे बड़ी चीज है सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब चाहे 6 फीट का अगर खांसी किसी को है, नहीं तो कम से कम 1 हम लोग बोलते हैं 1 मीटर का डिस्टेंस तो मिनिमम रखना ही चाहिए। और दूसरा ये है कि एटिकेट्स, जैसे सोशल एटिकेट्स बोला, फिर ये कॉफ का, खांसी आए या छींक आए तो उसमें कोशिश करें कि बाहर नहीं है, एल्बो में या रुमाल में करके सीधे वो नैपकिन पे टिश्यू पेपर में करके उसी टाइम उसको डिस्पोज ऑफ करें। और हैंड वॉशिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है, अपनी टेलीफोन मोबाइल में या किसी में ना एक रिमाइंडर डाल दें, ताकि अगर भूलें भी तो वो रिमाइंडर अगर बजेगा तो ये है कि थोड़ा टाइम हो गया अभी मुझे साबुन से हाथ धो, बेस्ट है बजाय अगर सोप एंड वाटर अवेलेबल है दैट इज रियली गुड। और बाकी जो फ्रीक्वेंटली टच एरियाज हैं, जैसे डोर का नॉब है उसको थोड़ा, या अपना मोबाइल फोन है या ईयर प्लग्स भी हैं, जो चीजें सरफेस कॉन्टैक्ट में है, अपनी टेबल टॉप को साफ कर लें ब्लीचिंग पाउडर सोल्यूशन या किसी से,
और इसको भी, मोबाइल फोन्स को जो कि हम लोग काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।